जैसा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मेरे इस वीडियो का पार्ट टू है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। और मुझे ना ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि ये वीडियो जो है ना, ये पूरे इंटरनेट पर सिर्फ मेरा एक ऐसा वीडियो है जिसने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व भी किया है। आप पूरे इंटरनेट पे कभी आप इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, मानना चाहेंगे आप कभी फेस करें, कभी फेस करेंगे और इंटरनेट पे देखेंगे, तो आपको ना कोई इसके ऊपर आर्टिकल मिलेगा, ना कोई वीडियो मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ लोगों के कमेंट्स मिलेंगे आपको DGFT के ट्विटर पे, DGFT के साइट पे, और कोरा में, और अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, और ये कहते हुए कि हेल्प मी इफ एनीवन हैव एनी आइडिया हाउ टू रिजॉल्व द इशू। इवन आपको ना यहाँ तक नहीं पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आइसगेट की है कि GST की है। और जब आप GST या आइसगेट हेल्पलाइन में फ़ोन करेंगे ना, तो आपको बस एक ही चीज़ सुनने को मिलेगा कि हमारी टेक्निकल टीम इस पर लगी हुई है, हमारी टेक्निकल टीम इस पर लगी हुई है। और दोस्तों, इस इशू को लगे ना, मेरे पे रेगुलर बेसिस पे कॉल आते हैं वाया यूट्यूब और वाया सम अदर सोशल नेटवर्क, और लोग इतना परेशान रहते हैं कि मैं आपको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और हम लोग मिलके इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी उनके लिए जो कि जिन्होंने अब तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं की है, हो सकता है कि आपने अब तक ये प्रॉब्लम फेस ना की हो, और आप हो सकता है कि आप एक नए इम्पोर्टर हो, नए एक्सपोर्टर हो, और हो सकता है कि आप नए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ना हो, बट फिर भी आप पहले से फाइल कर रहे हो और आपने अब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं हो सकती। अगर आपने अब तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए टू मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम आपके साथ फ्यूचर में ना हो, और विच कैन सेव योर लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड मनी। और सेकेंड कैटेगरी उनके लिए जो अभी करेंटली इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और अपनी कोई शिपिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, तो और चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी को कवर करूंगा, तो आप सीधा फर्स्ट कैटेगरी को स्किप करके सेकेंड कैटेगरी में जा सकते हैं, जहाँ पर मैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। श्योर शॉट सोल्यूशन है, जो कि एक देसी जुगाड़ है, आपका काम चल जाएगा एक बार के लिए, बट मेक श्योर कि आप उसका सोल्यूशन पूरा का पूरा देखें। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? इस प्रॉब्लम को मैं सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा आपको, GST पैन नॉट मैचिंग विथ IC पैन। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सही, इतना यही वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ना तो GST, क्या कहते हैं, GST हेल्प डेस्क के पास है, ना ही आइसगेट हेल्प डेस्क के पास है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे जो पहले से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या पहले जिन्होंने पहले से एक दो शिपमेंट भेजी होंगी, हो सकता है कि बहुत सारी भेजी होंगी, कि यार ये गलत ऐसी बातें कर रहा है, हमारे साथ तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आ नहीं सकती। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं अपना सारा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम, भगवान ना करे ये प्रॉब्लम कभी आपके साथ आई, तो आप इतना परेशान होंगे ना, पूरे इंटरनेट पे आपको इसके रिलेटेड कोई वीडियो, कोई आर्टिकल, कोई कमेंट, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट कैटेगरी से ब्लॉग कर देना, तो कॉन्ग्रेट्स दोस्तों, आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो पहले ही देख लिया है, तो आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बचने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप लोग फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, कमेंट करूंगा कि मैंने जो वीडियो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हो, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, और किस तरीके से आप एडवांस में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो, आप क्या कहते हैं, आपका जो GST पैन है वो आइस गेट के साथ लिंक है कि नहीं। अब आप लोग मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और आप लोग कहाँ मेरा पुराना वाला वीडियो जाके देखेंगे, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल 8-10 मिनट लंबा है। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेन पॉइंट है ना, क्रॉस चेक करने वाला पार्ट, वो मैं इस वीडियो में ही डाल दूँगा। तो दोस्तों, ये है वो प्रोसीजर, जैसे कि आप अपना GST पैन चेक कर सकते हैं कि वो आइस गेट के साथ लिंक है कि नहीं है। सबसे पहले अपने को क्रोम खोलना है, उसमें टाइप करना है isgate.gov.in। ये देखिए आइस गेट खुल गया है, मोदी देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखेगा कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको, सबमिट। देखिए अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है GST IN ID इंक्वायरी, उसमें जाना है।
यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। देखिए मैं डाल के दिखाता हूँ, जिसका इस वाले बंदे का लिंक नहीं है तो ये इसको सर्च करेंगे डाल के। देखिए जीएसटी इज़ नॉट अवेलेबल विद कस्टम। अब अगर ये आपका होगा यहाँ पे आपका लिंक होगा तो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा, आपकी फॉर्म का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और इज़ अवेलेबल विद कस्टम्स लिखा हुआ आएगा। सो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जीएसटी आईएस गेट के साथ लिंक है कि नहीं है। कैटेगरी की बात करते हैं, सेकेंड कैटेगरी में वो लोग हैं जो करंटली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी ना बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी इस टाइम पे, ना कोई बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल फाइल हो रहा होगा, और वो लोग चाह रहे होंगे कि बस अपने को तो कोई ऑन द स्पॉट सोल्यूशन मिल जाए जिसके थ्रू कि हम अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दें, हमारी शिपिंग बिल फाइल कर दें और हमारा माल किसी तरह निकले। क्योंकि मुझे पता है कि दोस्तों की कई हो गया जो है माल आके पड़ा रहता है तो उसमें डैमेज लगता है, कई लोग अपना कंटेनर वगैरह पहले स्टफ़ कर देते हैं एयरपोर्ट या पोर्ट पे पहुंचा देते हैं, उसके बाद शिपिंग बिल फाइल करते हैं और बाद में फिर पता लगता है कि शिपिंग बिल ही फाइल नहीं हो रहा। शिपिंग बिल फाइल नहीं होगा तो आपका माल अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो आपका कहाँ बाहर जाएगा इंडिया से। तो आप लोग जो है सेकंड कैटेगरी वाले, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का जो वन स्पॉट सोल्यूशन है ना वो ये है कि आपका जो जीएसटी नंबर है ना उसकी जगह आपका जो भी सीएचए है उसको बोलना कि जीएसटी नंबर की जगह पैन नंबर डाले और पेपर फाइल कर दे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा। पहले शिपिंग बिल की बात करते हैं, शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा तो अगर आपकी शिपमेंट एलयूटी पे है और आपको कोई जीएसटी रिफंड वगैरह का इशू नहीं है तो आपके लिए वैलिड कोड है, तो आपको फाइल करके भेज दो। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी कंसर्न सीएचए है उससे आप एक बारी कंसर्न कर लें कि अगर अपन जीएसटी की जगह पैन नंबर डाल के फाइल करें तो पेपर तो फाइल हो जाएगा, शिपिंग बिल नंबर आ जाएगा और उस पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। बट एक चीज़ है, मैं इम्पोर्ट के केस की अब क्या है कि कभी आप अमेंडमेंट कराने जाएंगे तो जो है ना जीएसटी नंबर अमेंडमेंट नहीं होता है, ये इम्पोर्ट के लिए है बेसिकली। एक्सपोर्ट में मुझे पता नहीं, एक्सपोर्ट में कभी करवाया नहीं, बट इम्पोर्ट में क्या होता है कि अगर आपका जीएसटी नंबर कभी गलत हो जाता है तो जीएसटी नंबर की अमेंडमेंट नहीं होती, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्या पता होती है क्योंकि मैंने नहीं करवाया, बट मेरा एक फ्रेंड करवाने आया था वहाँ पे अपने दिल्ली एनसीएच में और वो बहुत धक्के खा रहा था, मैंने देखा था उसको बहुत टाइम लग गया था कराते कराते, पता नहीं करा उसने कंप्लीट किया भी था कि नहीं किया था। तो ये आपका वन स्पॉट सोल्यूशन है दोस्तों कि अगर आप अपने जीएसटी नंबर की जगह पैन नंबर डाल के फाइल करेंगे ना तो आपका पेपर फाइल हो जाएगा, चाहे वो बिल ऑफ एंट्री हो चाहे वो आपका शिपिंग बिल हो। बट बाद में अमेंडमेंट होगी कि नहीं होगी ये फिर आपको देखना पड़ेगा, ये पहले से आप अपने कंसर्न सीएचए से बात करके कंसल्ट करके फिर ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड, जिसमें मैंने आपको प्रिवेंशन भी बता दिया और क्योर भी बता दिया। और अगर आपको यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड देखना पसंद है, टिप्स एंड ट्रिक्स जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।